There is one additional topic on the galvanometer, which I am going to explain over here. And this lecture is basically on the dynamic behavior of the galvanometer. When we pass the current through a galvanometer, it does not reach its steady state deflection immediately, but there is a time interval or period of transition during which the moving system of the galvanometer deflects from its initial position to the final steady state position. मतलब जैसे ही आपने करंट किसी गैल्वेनोमीटर में डाला या पास किया तो जो उसका पॉइंटर है वो एकदम से आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू पे नहीं जाता है, ठीक है. इट टेक सम टाइम टू रीच दैट, और वहाँ तक जाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो वापस जाता है. दैट पर्टिकुलर द वे विच द पॉइंटर मूव्स टूवर्ड द स्टडी स्टेट वैल्यू, दैट इज नोन एज द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द गैल्वेनोमीटर. Okay, the dynamic behavior of the galvanometer during the period is examined by the equation of motion. Basically, आपका जो galvanometer का जो equation of motion है उस पर depend करता है कि आपका galvanometer का dynamic behavior कैसा है. Now, let us see constant of the galvanometer known as intrinsic constants. कौन कौन से constants galvanometer पर affect करते हैं during the movement of the galvanometer, pointer of the galvanometer. तो सबसे पहला कांस्टेंट आया था, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ठीक है. द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो पैदा होता है इन द गैल्वेनोमीटर ड्यू टू द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जो आप लोगों ने एमएमीटर के डिजाइनिंग के वक्त भी देखा था, ठीक है. वी व्हेन वी हैव सीन द इन द डिजाइनिंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, तो वहां पर देखा था कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है दैट इज वॉज इक्वल टू जी आई, ठीक है. जी वॉज द डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट ऑफ विच इज ऑल्सो नोन एज द गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट एंड इज गिवन इज इक्वल टू एन आई बी ए, ठीक है. द यूनिट ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट इज न्यूटन मीटर पर एम्पियर. दूसरा कॉन्स्टेंट ये तो हो गया आपका डिफ्रैक्टिंग टॉर्क विच इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. इसकी वजह से तो डिफ्लेक्शन होता, ठीक है. दूसरा जो कांस्टेंट देखने को मिलता है तो है वो रिटार्डिंग टॉर्क है विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है. रिटार्डिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस होइंग दैट टू द इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम. दिस टॉर्क इज डिपेंडेंट अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये बॉडी के मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि हमें मालूम है इट्स डिपेंड अपॉन द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, विच इज गिवन बाय टी जे इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, वेयर जे इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज गिवन इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया कॉन्स्टेंट. डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा इज द रिफ्लेक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी. ओके, तो ये आपका हो गया, ये एक तरह के रेजिस्टिव टॉर्क है. पहला टॉर्क जो था वो करंट की वजह से था, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा था, पर इनर्शिया टॉर्क जो है एक रेजिस्टिव टॉर्क है. रेजिस्टिव इन द सेंस वो मूवमेंट को रोकने में, मतलब कि एक तरह का फ्रिक्शन पैदा कर रहा होगा, मतलब इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. नेक्स्ट आया था डैम्पिंग कॉन्स्टेंट. डैम्पिंग इज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल एंड इन एयर एंड द ऑल्सो बाय इंड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ अ क्लोज सर्किट इज प्रोवाइडेड, ठीक है. तो डैम्पिंग आपके तो एयर डैम्पिंग की वजह से भी डैम्पिंग होगी, दूसरा आपके डैम्पिंग इंड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है. तो डैम्पिंग टॉर्क जो है दैट इज टी डी विच इज इक्वल टू डी इन टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है. ये एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. डी इज अ कॉन्स्टेंट डैम्पिंग कॉन्स्टेंट विच इज गिवन एज न्यूटन मीटर रेडियन पर सेकेंड एंड डी थीटा बाय डी टी इज द एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो अब नेक्स्ट जो कांस्टेंट आ जाता है दैट इज कंट्रोल कांस्टेंट. कंट्रोल टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क इज ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ अ सिस्टम विच ट्राई टू रिस्टोर द मूविंग सिस्टम बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन. जो आप लोगों ने हम लोगों ने जो उसमें क्या कहते हैं जब बैलेंस कंडीशन या कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने निकाली थी गैल्वेनोमीटर की,
उस वक्त जो स्प्रिंग कांस्टेंट से जो कंट्रोलिंग टॉर्क वहाँ कैलकुलेट किया था वही चीज यहाँ पर भी यूज़ की है. दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग टॉर्क विच इज ड्यू टू प्रोड्यूस ड्यू टू द स्प्रिंग विच जो कि कोर को लटकाया हुआ है. ठीक है, तो उसकी वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा हो रहा है विच इज अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दैट इज गिवन बाय टी सी इक्वल्स टू के थीटा वेयर के इज नथिंग बट कंट्रोल कॉन्स्टेंट और यू कैन से इट इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट विच इज गिवन इन न्यूटन मीटर पर रेडियन. ओके, तो अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और जो इनर्शिया टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये सब के सब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. तो बाय सिंपल लगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो टी डी है वो दैट विल बी इक्वल टू टी जे प्लस टी बी प्लस टी सी. तो लेट अस सी equation of the motion. There are four torque acting on the moving system. Deflecting torque TD tries to accelerate the system while the inertia torque TJ, damping torque TD and control torque TC try to retard the system. ये तीनों टॉर्क सिस्टम को रिटार्ड करने की कोशिश करते हैं. Therefore, for any deflection theta at any instant t, ठीक है, किसी particular deflection और ऐसे particular time t पे जो टी जे प्लस टी बी प्लस टी सी विल बी इक्वल टू टी डी, या फिर टी जे की वैल्यू रखें जे डी स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस के थीटा इज इक्वल टू जी आई. ये आपकी पहली इक्वेशन बन के मतलब ये दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये आप देखेंगे दिस इज अ लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी विच विल बी अकॉर्डिंग टू द मतलब कि अगर मैं थीटा को डी थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर को एम स्क्वायर को डी थीटा बाई डी टी को एम, तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी जे एम स्क्वायर प्लस डी एम प्लस के इक्वल्स टू जीरो. और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर रूट्स निकाले जाएं तो दैट विल बी इक्वल टू एम वन इक्वल्स टू माइनस डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस फोर के जे अपॉन टू जे. और दूसरी तरफ जो रूट होंगे एम टू विच विल बी इक्वल टू माइनस डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस फोर के जे बाय टू जे. ठीक है, तो यूजिंग दिस रूट्स द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन निकल के आएगा थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर मतलब एम वन टी प्लस बी ई टू द पावर एम टू टी. दस ए बी आर द कॉन्स्टेंट्स ओवर है ना. अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अगर आप स्टडी करंट आई थ्रू द गैल्वेनोमीटर पास कर रहे हैं अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर जीरो होगा. मतलब जब स्टडी स्टेट पहुंच गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो होगी दैट विल बी डी थीटा बाय डी टी आल्सो जीरो, और जो आपका फाइनल एंगल होगा दैट विल बी थीटा है जो स्टडी स्टेट वैल्यू पे कुछ एंगल वो प्रोड्यूस कर रहा होगा. अगर ये सब चीज़ें ऊपर वाली इक्वेशंस में रखें, ठीक है, इक्वेशन वन में रखें तो आपको मिलेगा कि तो फाइनल स्टडी स्टेट थीटा एफ पे मतलब के थीटा एफ विल बी इक्वल टू जी आई. अब ये सारी वैल्यूज अगर इक्वेशन वन में रखते हैं जो प्रीवियस इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इक्वेशन वन इसमें रखते हैं, इसमें डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो पहले दो टर्म जीरो हो जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा के थीटा एफ इक्वल्स टू जी आई. जो के थीटा एफ इज इक्वल टू जी आई से आप निकाल सकते हैं कि थीटा एफ इज इक्वल टू जी आई बाई के. थस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अब पूरा जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट विल बी सिंपली थीटा इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम वन टी प्लस बी ई टू द पावर एम टू टी. ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आया दैट विल बी थीटा एफ. यहाँ पर डायरेक्टली आप जी आई बाई के ले सकते हैं. ठीक है, अब जो ये आपका जो पहला टर्म है इसके भी डिफरेंट कंडीशन निकल के आएंगी कि ये कैसी मोशन, क्योंकि जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें जो m1 एंड m2 जो रूट्स हैं वो रूट्स की जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो पॉइंटर है वो किस तरह से स्टडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचेगा. लेट अस सी दैट. पहला केस बनता है कि जब डी स्क्वायर इज लेस देन फोर के जे
इन दैट केस क्या होगा, दोनों रूट्स आपके जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे. अगर आपके दोनों रूट्स M1 एंड M2 इमेजिनरी है, इन दैट केस आपका मोशन ऑसिलेटरी होगा. दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर विल बी ऑसिलेटिंग और धीरे धीरे वो ऑसिलेशन कम करते 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 फाइनली स्टेडी स्टेट वैल्यू में पहुंचेगा. इट विल बी ऑसिलेटिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम 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 एंड फाइनली इट विल बी रीचिंग द स्टडी स्टेट वैल्यू. तो इसको हम लोग कहते हैं अंडर डैम केस. वेन अब आते हैं सेकेंड केस पे, केस टू पे, जहाँ पर डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 kg. अगर दोनों ये केस आता है जब डी स्क्वायर 4 kg के बराबर होगा, इन दैट केस जो आपके दो रूट्स होंगे M1 एंड M2 दे आर रियल एंड इक्वल. दोनों रूट्स रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे. तो इस केस में आपका जो मोशन है पॉइंटर का वो ऑसिलेटरी नहीं होगा. इट विल बी रीचिंग द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट एनी ओवरशूट. ये तो शॉर्टेस्ट टाइम में वहाँ पहुँच रहा होगा और कोई ओवरशूट भी नहीं होगा. इसको हम लोग कहते हैं, दिस कंडीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड. ठीक है, सिमिलरली डी स्क्वायर व्हेन इट इज ग्रेटर देन 4 kg, इस केस में क्या है, दोनों रूट्स रियल है बट दे आर नॉट ऑन इक्वल, दे आर नॉट इक्वल. अंडर दिस कंडीशन अगेन देयर इज अ नॉन ऑसिलेटरी मोशन और आपका जो पॉइंटर है वो स्लगिश मैनर, मतलब बहुत ही आराम से स्टडी स्टेट वैल्यू पहुंचता है, धीरे धीरे से स्लगिश मैनर में जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरडैम केस. इन तीनों केसेस को मैंने यहाँ कर्व में दिखा रखा है. ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला जो ऑसिलेटरी करके जा रहा है, दैट इज द रूट्स आर इमेजिनरी इन दैट केस, तो अंडरडैम केस है. पहले ओवरशूट हुआ, फिर उसका रिड्यूस होते 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 फाइनली स्टडी स्टेट वैल्यू पहुंचा. फिर दूसरा केस आ गया कि व्हेन देयर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 kg, इन दैट केस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. उस वक्त क्या हो रहा था कि आपका गैल्वेनोमीटर क्रिटिकली डैम था, मतलब कि एट द शॉर्टेस्ट टाइम इट वाज रीचिंग टू द स्टेडी स्टेट वैल्यू, जो आपका सेकंड कर्व जो आपको इंडिकेट कर रहा है. एंड फाइनली द थर्ड वन, व्हेन डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 kg, रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल. इन दैट केस द pointer of the galvanometer is reaching within a sluggish manner and this is known as overdamped case. So this is how the dynamic behavior of the galvanometer is explained over here. So this lecture ke liye ek additional lecture hai jo galvanometer dynamic behavior ko explain karta hai. Ye bhi kai kai jagah par competitive exams mein pucha jata hai, to ye bhi zaruri hai and it can be considered as an additional lecture in my series. Okay. यही तो स्टॉप करते हैं.